डांस अच्छा उसको डिस्को नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका हमारे इस नए व्लॉग में। और फिलहाल मैं हूँ यहाँ मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले का, ये अंतिम भगोरिया है, आज के बाद ये समाप्त हो जाएगा। तो ये छकतला करके गांव है, वहाँ पे ये बहुत ही खूबसूरत और सबसे ज़्यादा खूबसूरत जो भगोरिया भरता है वो लास्ट वाला वो यहाँ पे है छकतला, अलीराजपुर जिले में पड़ता है। जो यहाँ ये जो गांव बसा हुआ है ये महाराष्ट्र और गुजरात बॉर्डर पे है, तो तीनों राज्यों की संस्कृति एक साथ, तीनों संस्कृति का संगम होगा। और अपने अपने ड्रेसेज और अपने अपने संस्कृति को यहाँ प्रदर्शित करेंगे, तो अपन देखेंगे कि अलग अलग लोग और यहाँ थोड़ा ज़्यादा ही खूबसूरत मेला होने वाला है। तो चलो देखते हैं, एक एक करके इनकी संस्कृति का दर्शन करते हैं। हेलो भैया, आज के मेले में क्या सबसे अच्छी खूबसूरत चीज़ लगी आपको, किसका आनंद लिया, सबसे बढ़िया चीज़ क्या लगी है? मालूम नहीं है, बस जूस पी रहे हो, झूले झूले कि नहीं? हाँ, झूले। कैसा लगा? अच्छा लगा। और क्या किया मेले में आके? हैं? बताओ। किस गांव से आए? अम्बाजिया से। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या करते हो, पढ़ाई करते हो? कौन सी क्लास में? नर्सिंग। कौन सी? नर्सिंग करते हैं। अच्छा, नर्सिंग कर रहे हैं आप, कैसे हैं? नमस्कार दोस्तों, तो देखिए आप, यहाँ बाबूजी है, पौराणिक वेशभूषा में आपको दिखाई देंगे। और इनके पास जो पुराने जो आयुध हैं यहाँ के आदिवासियों के, तीर और कमान, वो भी आपको देखने को मिलेंगे। वो चमड़े का कुछ ऐसे मुकुटा पहना हुआ है, आगे वो जो बजाने वाली क्या बोलते हैं उसको, वो भी लटकाई हुई है, घुंघरू वगैरह। दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे तो पहले जो आपने देखे हैं उनसे कुछ अलग ड्रेसेस आपको देखने को मिलेगी, और ये हर जगह मिलेगा आपको भूपाड़ी। हेलो, कहाँ से आए मैम आप? उमरी से। ये महाराष्ट्र में है कि मध्य प्रदेश में? आप मध्य प्रदेश के हैं। अच्छा, ये थोड़ा अलग से ड्रेस कोड है आपका, काफ़ी खूबसूरत है। तो इसमें आप लोग ये गहने वगैरह नहीं पहन के आए? पहनते हैं लेकिन नहीं पहनते। इस बार नहीं आए, अलग अलग ड्रेस से आए हैं आप, देखो इनका ड्रेस कोड। हेलो, बैठ जाओ बैठ जाओ। हेलो मैम, कहाँ से आए? अम्बाजा से। आप कहाँ से आए? कौन से गांव से आए? अम्बाजा से। अम्बादरी? अम्बाजा। अम्बाजा, अच्छा, यहाँ से कितना दूर है? यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर। अच्छा, ये जो आपने गले में पहना है ये कड़ा वाला, ये वाला, इसको क्या बोलते हैं? बीच में जाकर मैं जाऊँ अरे अंदर। मेले का भरपूर
आनंद ले रहे हैं। मेले में क्या क्या देखने लायक, क्या क्या घूमे अभी तक? सब बोलते हैं। क्या अच्छा लगा यहाँ पे, क्या खासियत है इस मेले की? डिस्को हमने वहाँ लगा दिया। डिस्को? हाँ। डांस? हाँ। अच्छा, उसको डिस्को बोलते हैं। और झूले झूले कि नहीं झूले? झूले यू तो हमने गमे था, झूला गमे। अच्छा, आप कहाँ, यहाँ एमपी से हैं कि गुजरात से? एमपी से। अच्छा, अभी एमपी से हैं। गुजरात से भी आते हैं लोग? अच्छा, क्या नाम है आपका? मंजुला। कितने मंजुला? मंजुला पढ़ाई करते हो? पढ़ाई छोड़ दी? आज के इस मेले में सबसे खूबसूरत खासियत क्या है? इस मेले की सबसे, इस मेले में सबसे अच्छा क्या लगा? इस मेले में सबसे अच्छा वो। अच्छा, उमराली और इसमें कितना डिफरेंस है, उसमें और इसमें क्या फर्क लगा आपको? अरे बता दो। दोस्तों, इस मेले में सबसे जो क्रेज वाली चीज़ है वो है ढोल। इसका सबसे ज़्यादा आकर्षण रहता है। देखिए कितने बड़े बड़े ढोल लेके आते हैं, बीच में रखते हैं और इसके साथ ये अपना डांस करते हैं, इसी में ये अपना आनंद खोजते हैं।
की सकड़ी है और भीड़ बहुत ज्यादा हो चुकी है। दोस्तों अभी जो आप देख रहे हो इस भगोरिया का, ये अंतिम भगोरिया है इस साल का, तो बड़ी तादाद में भीड़ आ रखी है। आप इस तरफ देख सकते हैं पैर रखने को जगह नहीं है और छोटे छोटे बच्चों को लेकर कैसे जा रहे हैं ये देखिए। भाई साहब अभी तक इस सबसे ज्यादा भीड़ है इस तरफ। ये सभी से निवेदन है भैया, धक्का मुक्की ना करें, ये गांजे वाले भैया कैमरे की निगरानी में हो, आप ध्यान रखें, आप कैमरे की ले रहा है।